आप लोग सब खैरियत से होंगे, हम लोग भी यहाँ खैरियत से हैं। तो आज है सैटरडे का दिन और दिल कर रहा था कि कुछ स्पेशल खाना खाया जाए, शादी हो जैसा जिसमें टेस्ट हो। तो मेरे पास ये चिकन फ्रीजर में पड़ी हुई थी, ये काफ़ी दिन से रखी हुई थी मेरे पास। तो आज हमने इसको डिफ्रॉस्ट कर लिया और सोचा कि चलो इससे चिकन चाप की रेसिपी बनाया जाए, जो कि हमारे कोलकाता में शादियों में बनती है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि हर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने ले ली है 1 kg चिकन, इसमें लगा लिए हैं स्लिट्स और यहाँ पे लिए हैं कुछ मसाले जिनमें आपको दिख रहा है ये 1 मीडियम साइज का प्याज है। तो ज़्यादा प्याज लहसुन नहीं चाहिए हम लोगों को, थोड़ा ही सा एक बंच लहसुन लिया है हमने। 1 इंच की यहाँ पे अदरक ली है, 6-7 हरी मिर्चें ले ली हैं और इन सब को बस रफली कट कर लिया है क्योंकि ये सब अभी जाएगा मिक्सर में। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स है, बट खाने में बहुत ही शाही है ये। तो ये सारे मसाले हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब लेते हैं कुछ गर्म मसाले, जिसमें है मेरे पास 2 टीस्पून भर के हरी इलायची, 1 ये बड़ी इलायची, इसको भी साइड में रख लेंगे, 1 दालचीनी है, 1 जावित्री का फूल है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून जीरा है। तो इसको डाल दिया मिक्सर में, ये वाले मसाले भी डाल देंगे और इसको बस अब अच्छे से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। साथ ही इसके डालेंगे 1 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून मेलन सीड्स, और मेरे पास खसखस नहीं है तो जिनके पास पॉपी सीड्स है वो इस टाइम डाल सकते हैं इसमें, यहाँ ओमान में अवेलेबल नहीं होती तो उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट पे जो है काजू डबल कर सकते हैं आप। हमारे सारे मसाले अच्छे से पीस जाएंगे, इसको अच्छे से हम लोगों को पीसना है, फाइन पेस्ट बनाना है। और अब इसमें डालेंगे हम लोग 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और नमक डाल लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर डालेंगे इसको खुशबूदार बनाने के लिए 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें गुलाब वाटर क्योंकि इसको खुशबूदार बनाना है, और शादी वाली खुशबू बढ़ाने के लिए हम लोग डालेंगे इसमें 2 ड्रॉप्स बिरयानी एसेंस की, या फिर मीठा अदरक डाल लें। और 1 kg चिकन है मेरी, तो हमने डाले यहाँ पे 1 कप दही। अगर आपकी चिकन मतलब हाफ क्वांटिटी में बना रहे हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हाफ कर लें। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही को भी अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना बने। और उसके बाद डाल देंगे 1 टेबलस्पून बेसन, इससे टेक्स्चर भी अच्छा आएगा। और बेसन को अच्छी तरह से इसमें घोल लेना है ताकि कोई भी इसमें लंप ना रहे। उसके बाद डाल देंगे हमारी जो चिकन जिसमें उन्होंने कट लगा के रखी थी, इसमें मिक्स करके रख देंगे और बस इसको कम से कम 2 घंटे के लिए आपको रखना है मैरिनेट करने के लिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर लें तो इसका टेस्ट और भी बेहतर आएगा। फिर यहाँ पे जब 2 घंटे हो गए तो हमने एक पैन लिया है और इसको हीट करेंगे, और पैन जो है वो हम लोगों को ऐसा सेलेक्ट करना है जो फैला हुआ हो ताकि चिकन की जो बोटियाँ हैं वो एक दूसरे पे चढ़े नहीं, ओवरलैप ना हो और सब की सब जो है वो इसमें आसानी से बिछी रहे। फिर अब इसमें डालेंगे हम लोग ऑयल और घी मिक्स करके डालना है क्योंकि शादी वाला टेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून घी लिया है, आप चाहें तो पूरा का पूरा भी घी में बना सकते हैं। उसके बाद जो 1 बड़ी इलायची बचा के रखी थी वो अब डाल देंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि ये अपने सारे फ्लेवर जो है वो ऑयल में रिलीज कर ले। और उसके बाद जो हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन है अब उसको इसमें डाल देंगे। सिंपल ये एलिगेंट डिश में अब आपको और आगे कोई मेहनत नहीं करनी है, बस इसको ऑयल में इस तरह से डंप कर देना है। 1-2 मिनट के लिए इसको हल्का सा पकाएंगे ताकि सारे जो चिकन है उसका कलर चेंज हो जाए, और जब इसमें से ऑयल रिलीज होने लगेगा तो हम लोग जो मसाले वाला पानी है बर्तन में उसको इसमें डाल देंगे और कवर करके रख देंगे 1/2 आवर के लिए बिल्कुल स्लो आँच पे। स्लो आँच पे रखने के बाद ये ऑयल अपने आप रिलीज करना शुरू कर देगी और इसकी कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्जी के हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। हमने बिल्कुल इसको भूने पे रखा था और राइस के साथ सर्व किया था, आप चाहे तो इसको पराठा नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और जब आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आएगा। तो जरूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।